कौन सा क्वेश्चन थोड़ा पकड़ा, डीपीसी पकड़ा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो तो है भाई, चल ध्यान दे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपको बताया जा रहा है डीपी शीट का, तो ये सिंपली बोल रहा है, थोड़ा मैं आवाज कम करता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपके पास दो मास है, क्या है आपके पास दो मास है, दो मास, ये लीजिए, ये M1 ये है M2, फाइन। तो आप क्या कर रहे हैं काम, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, है ना, और ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी। साथ में हमने ये भी देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ये सेंट्रल फोर्सेस है, मतलब इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। फिलहाल मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूं, लाइक दिस, इन दो मासेस के दरमियान आपकी डीपी शीट में दिखा गया है ना, सेपरेशन डी दी गई है, ठीक, तो सेपरेशन है डी। आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहा है कि आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक मास को, इसका मास है हम, इसको लाना है और इस लाइन पे प्लेस कर देना है, उस जगह प्लेस कर देना है जहां पे इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो, मतलब इस मास को ला इसी लाइन पे कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर ताकि यहां पे इस पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो। सिंपल बात, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ दिस मास इन M2 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ दिस मास मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग जाएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें जीरो मिलेगा, फाइन। और निकालना क्या है, निकालना आपने है सेपरेशन बिटवीन दिस M एंड दिस M, लेट मी कॉल दिस सेपरेशन R, स्मॉल R, या कि नहीं आया, तो आप ध्यान दें बेटा करना क्या है, तुझे क्या करना है, तुझे ये सेपरेशन R निकालनी है, क्या निकालनी है R। तो पहले देखिए, मैं मानूं ये M1 इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, M1 क्या कर रहा है, M1 क्या कर रहा है, M1 शाबाश, ये कर रहा है M2 क्या कर रहा है M2, फाइन। तुझे यहां बताया गया है नेट इस पे जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए जीरो, यानी जो F1 और F2 का रिजल्टेंट आएगा वो होना चाहिए क्या जीरो के बराबर, मतलब F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या F1 F2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, अरे यार यहां शिफ्ट कर इसको, क्लियर, से निकाल पहले F1 किसके बराबर, जी शाबाश M M डिवाइड बाय यहां सेपरेशन है R, तो R से, और F2 F2 किसके बराबर, वो भी आएगा यहाँ M की जगह था M1, याद रख, यहाँ M1 था और यहाँ है M2, आएगा G M2 M by क्या आएगा, यहाँ आएगा D माइनस R, ये वाली डिस्टेंस पूरी तो D थी, ये R माइनस कर D माइनस R आएगी ना, तो D माइनस R प्लस के, फाइन। अब तेरे को नेट यहाँ जीरो चाहिए, मतलब F1 किसके बराबर, F2, तो लिख G M1 M by R square is equal to G M2 M by D minus R square, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, तो बचा क्या, बचा M1 by R square, यहाँ आ जाओ, M1 by R square, M1 by R square is equal to M2 by D minus R का whole square, fine। अब आ जाओ इसको इधर ले, इसको इधर ले, मतलब d माइनस r का होल स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1, फाइन। यस सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लाइक दिस, m2 बाय m1, फाइन। तो क्या यार इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d बाय r माइनस r बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m2 बाय m1, fine, yes sir, क्या ये कट हो जाएगा, yes sir, तो तुझे मिलेगा क्या, ध्यान दे, तुझे मिला d by r minus 1, d by r minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2 by m1, m2 by m1, अब ध्यान दे, ये स्क्वायर यहां खत्म, क्या खत्म, yes, और यहां इसका भी रूट स्क्वायर, क्लियर, yes sir, ठीक है ना भाई, तो इस वन का शिफ्ट यहां कर, जब ये वन शिफ्ट वहां होगा, मैं खत्म कर रहा हूं शॉर्ट में दिखा रहा हूं, तो ये प्लस वन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस वन। तो अब तेरे को एक्चुअली आर निकालना है, क्या निकालना है, आर, तो निकलेगा तू डी बाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर, प्लस अंडर रूट ऑफ
एम वन एम वन ठीक डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम फाइन। तो यहां आ ये आया डी बाय आर किसके बराबर अंडर रूट ऑफ एम टू प्लस अंडर रूट ऑफ एम वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम वन आया कि नहीं आया जी सर। इसका रेसिप्रोकल ले मतलब आर बाय डी इसका भी रेसिप्रोकल यस सर अंडर रूट ऑफ एम वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम टू प्लस अंडर रूट ऑफ एम वन खाली निकालना क्या तुझे आर तो खत्म कर डी को और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो आर मिला डी अंडर रूट ऑफ एम वन डिवाइडेड बाय एम टू प्लस यस फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हाँ ये है ठीक माइन।